सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोजीनिया को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष और आज मैं नए वीडियो के साथ हैं। तो आज किस नए वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो मेरी पहली सीरीज चल रही थी, तो वो जो जिसमें मैं आपको गेम्स के बारे में बताता था, गेम्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, मोड गेम्स को, और अगर आपको पेड गेम्स हैं उसे फ्री में कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो इस सीरीज़ को मैंने पहले बंद कर दिया था। उस सीरीज़ को फिर से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ और ये जो मैंने जो दूसरी सीरीज़ है, ये जो मैंने स्टार्ट किया है, उसकी सबसे पहली गेम मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे स्पाइडर मैन दी अमेजिंग स्पाइडर मैन 2, जी हाँ फ्रेंड्स, दी अमेजिंग स्पाइडर मैन 2 को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने किसी भी फ़ोन में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में, जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे सामने मैं आपको दिखा दूं कि Redmi Note 4 है मेरे पास। मैं आपको इसका अबाउट फ़ोन में जा करके मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे हम लोग के पास नोगट वर्ज़न है और Redmi Note 4 है। आप जैसा कि यहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको लिंक में एक मतलब आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, उसके अंदर आपको द अमेजिंग स्पाइडर मैन 2 का आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगा। कुछ ऐसा फाइल आपको होगा और ये आपको बात बता दूँ कि कुछ ऐसा ये जो फाइल है आपको होगा, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही आप इसे, पहले मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ कि ये आपको zip फाइल मिलेगी, 7-zip फाइल, मतलब zip फाइल मिलेगी, ठीक है। उसे आपको बस एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपको कुछ 600 से 700 MB की फाइल होगी, वो आपको मैं वहाँ पे बता देता हूँ। 600 से 700 MB की फाइल आपकी होगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। अगर आप बोलोगे तो मैं इसे पार्ट में भी आपको दे दूंगा फाइल को। अगर मेरे को बाद में कमेंट आते हैं कि मुझे, मेरे पास इतना डेटा नहीं है, मेरे को फाइल पार्ट में डाउनलोड करनी है, इंडिविजुअल पार्ट्स में डाउनलोड करिए, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आपको ये एक्सट्रैक्ट करना होगा, और आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पासवर्ड आ जाएगा। तो इसमें आपको पासवर्ड में क्या डालना है, आप मैं बता दूंगा। पासवर्ड आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा और जिस हिसाब से आपको पासवर्ड डाला हुआ है, उसी हिसाब से आपको पासवर्ड डालना होगा। अगर आप आगे पीछे करोगे तो आपका नहीं होगा, TECKNNOS, उसके बाद स्पेस INDIA इंडिया, ठीक है, INDIA इंडिया, टी बड़ा कैपिटल में होना चाहिए, ECK, उसके बाद TECKNNOS। आप जैसे कि देख सकते हो टी कैपिटल में है, यहाँ पे मैं टी कैपिटल, बाकी स्मॉल, और फिर स्पेस डाल के इंडिया, बाकी सारे इंडिया भी आपको स्मॉल ही में है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसकी ब्राइटनेस ऑटो पे है, इसके मैं यहाँ पे, हाँ ओके। तो ये आपको ओके करना है उसके बाद, और चलिए इसे आपको कीप, ये एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है, आप जैसे यहाँ देख सकते हो। तो इसे एक्सट्रैक्टिंग होने देते हैं हम लोग, और तब तक मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ कि ये इसके लिए आपको कम से कम अपने फ़ोन में आपको बोलूँगा 2 से 3 GB खाली रख लेना, क्योंकि पहली बात मैं बता दूँ, 2 से 3 GB खाली रख लेना, क्योंकि आप आगे देख लोगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ किस लिए, क्योंकि अगर आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको पहले फाइल आपके पास रहेगी, उसे आपको दूसरी जगह पर डालना है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँगा, 2 से 3 GB खाली रखना अपने फ़ोन में अपनी स्टोरेज, और आप एक्सट्रैक्टिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा जेड आर्चीवर यूज़ करना। उसका भी आपको लिंक मैं दे दूँगा, जेड आर्चीवर आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। किस लिए मैं जेड आर्चीवर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड डाली हुई है। अगर आप और कोई मतलब रेडमी के फ़ोन्स में आपको एक्सट्रैक्टर फाइल मिलता है उससे करोगे, तो ये स्टोरेज प्रॉब्लम एरर लिखने लगा। इसके लिए मुझे बाद में मत बोलना, मैं आपको पूरी बात बता दे रहा हूँ। और इसे एक एक करके मैंने जिस हिसाब से किया उसी हिसाब से ही करना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो मैं उसके बाद पंगा नहीं लूँगा कि भाई मेरे में डाउनलोड नहीं हो रहा है या मेरे में काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, ये आपको फाइल कुछ मिल जाएगा स्पाइडरमैन का, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपको सिंपल सा सेटिंग, यहाँ पे मैं आपको ये ब्लॉक है, मैं आपको यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ गया, सिक्योरिटी ओपन फॉर सिक्योरिटी फोन सेट,
तो इसे मैं आपको अननोन सोर्सेस को मैं ऑन कर देता हूँ, हो सकता है ऐप में भी आए। अगर आप बाहर से कोई ऐप को इंस्टॉल करते हो तो इसे हम लोग को ओपन करना है, और इसे जल्दी से जल्दी मैं इनसे इंस्टॉल कर लूँगा। और एक बात मैं बता दूँ कि इसकी आपको जो एक्सट्रैक्टिंग फाइल में जो आपको दूसरी फाइल मिलेगी उसे आपको क्या करना है, तो इसे चलिए इसे हम लोग आगे पहले इंस्टॉल होने देते हैं। तो इस फाइल को आपको कुछ ऐसा, ये जो फाइल है ये आप देख सकते हो .com गेम लॉफ्ट .android उसके बाद ANP है जो भी है आपका, उसे आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको अपने इंस्टॉल मतलब एंड्रॉयड में जाना है। जी हाँ, मैं एंड्रॉयड बताऊँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको OBB सेक्शन तो आपको दिख नहीं रहा है, मैं हाँ OBB सेक्शन यहाँ पे होगा, तो मैं आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे एक नई यहीं पे पेस्ट करता हूँ। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, OBB सेक्शन होगा, OBB सेक्शन में आपको इसे पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे OBB फोल्डर भी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे में फोल्डर अभी नहीं बनी हुई है। तो मैं आपको गेम ओपन करके गेम प्ले करके दिखाऊंगा कि गेम प्ले होती है, फोर स्टॉप नहीं आती है। और ये रेडमी नोट 4 है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट होने देते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि आपको कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर नया क्रिएट करते हैं। नहीं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर, आप में पहले ही से मैं बता दूँ आपको क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, आप में पहले ही से आ जाएगा। क्रिएट न्यू OBB सेक्शन में आपको यहाँ डालना होगा इसे, इसे बस ऐसे यहाँ से कॉपी कर लो, और मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूँगा सिंपल सा OBB सेक्शन में, आपको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड OBB सेक्शन हो गया, पेस्ट यहाँ पे हो गया, और उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन आ गया। और मैं आपको बता दूँ कि ये ऑफलाइन वाला नहीं है, ये आपको ऑनलाइन है, तो इसे ऑनलाइन करना का अगर आप बोलोगे बाद में तो इसके लिए मैं आपको कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे यू डोंट हैव अ गूगल प्ले अकाउंट, रजिस्टर प्लीज़ एंड ऐड एंड ट्राई अगेन लेटर। तो मैं यहाँ पे इसे ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आपसे आगे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हो गूगल अकाउंट नहीं था, तो गूगल अकाउंट मैंने ऐड कर दिया। चलिए हमें इस गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देखो कैरी नेटवर्क आपको यहाँ से करना होगा। अगर आपका जो नेटवर्क होगा, अगर आपका फ़ोन का होगा तो कैरी नेटवर्क करना होगा, और अगर वाईफाई होगा तो वाईफाई से आप कर सकते हो। तो चलिए ओके करते हैं हम लोग, और आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हुआ है, ऐप क्रैश नहीं हुआ है। आप देख सकते हो ये गेम लॉफ्ट और ये मार्वल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमारे हाथ में हमने द अमेजिंग स्पाइडर मैन गेम को प्ले कर दिया है। आप जैसे कि सामने देख सकते हो, मैंने कुछ आपको अलग नहीं किया, मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिया है कि आप कैसे अपने गेम मतलब द अमेजिंग स्पाइडर मैन 2 को आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये रेडमी नोट 4 है, इसके अंदर आपको क्रैश नहीं हुआ, आपके सामने ये मैंने गेम प्ले करके दिखा दिया है। और एक एक जो मैंने स्टेप बताया है उसे आपको उस स्टेप को आपको करना होगा, अगर आप उस स्टेप को नहीं करोगे तो मैं आपको जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ कि आपका आपका मतलब फ़ोन में ऐप मतलब ये गेम चलेगा। और मैं आपको बता दूँ, इसके ग्राफिक्स अगर आप देखोगे तो ग्राफिक्स के दीवाने हो जाओगे। उसी टाइम के जिस टाइम के हिसाब से ये गेम लॉन्च हुआ था, उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको यहाँ पे गेम प्ले आपको करके दिखा देता हूँ, आपको आप वेट करो कुछ मिनट, ये आपको यहाँ पे लोड हो रहा है, और ये इंटरनेट से चलेगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ पूरी बात, ये इंटरनेट से चलेगा, विदाउट इंटरनेट वाला अभी मैंने मोड नहीं किया है। अगर आप बोलोगे तो मैं आगे मोड ले आऊँगा। और आप देख सकते हो कि इसकी गेम क्वालिटी क्या ज़बरदस्त है, आप आवाज़ भी देख सकते हो, और ये क्वालिटी आप देखो ये कितना अच्छा है। और इसकी क्वालिटी मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे आप देखो इसकी हाथ की शूटर जो है, वो जो वेब शूटर है वो तक इसमें दिख रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप वेट करो, इस साइड आप देख सकते हो वेब शूटर तक ये दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे गेम प्ले करके 2 मिनट। आप Not done yet.
ourselves that were on the truck. You, let me, we, oh. I'll get, and please. Time to rest now. There it is. I gotta get it back to the scientist. And I should keep it away from the street so nobody accidentally gets exposed to it. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगले सेक्शन इस जो आपको सीरीज़ की अगले सेक्शन में आपको बताऊँगा मैं कि आप GTA San Andreas को कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो और अच्छी तरह से प्ले कर सकते हो, वो भी ऑफलाइन। जी हाँ, मैं ऑफलाइन बता रहा हूँ। और यही है ये वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जा करके हमारे उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके ब्लू कर दो, और बेल को प्रेस करना ना भूलिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जा करके हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।